नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना साल भर पुरानी है। प्रदेश है राजस्थान, जिला है बूंदी, थाना है डबलाना और गांव है तारकाखेड़ा। तारकाखेड़ा गांव से सवेरे सवेरे डबलाना थाने पर ये सूचना गई कि गांव के ही 40 वर्षीय युवक संजय की खेत में बने, जो खेत में सोने के लिए टेम्परेरी हटमेट बना होता है, उसमें हत्या कर दी गई। उसके सिर पर, बदन पर तमाम शार्प एज्ड वेपन्स का के चोट के निशान थे। खैर, पुलिस ने अपनी एसओपी की, पंचायतनामा भरा, पोस्टमार्टम कराया। ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मार्टम इंजरीज, ड्यू टू एस्फिक्सिया एंड हीमोरेज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटी मार्टम इंजरीज, पुलिस ने संजय के पिता भागाराम की तहरीर पर एक मुकदमा लिख दिया। भागाराम ने यह बताया कि मुझे किसी पर ऐसा सच कोई शक नहीं है, लेकिन बाइस्तभा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बेटे के हत्या की जानकारी प्रहलाद पुत्र सौभाग बैरवा, जो मेरे भाई का लड़का है, हो सकता है उसको इस हत्या के कारण या हत्या की जानकारी हो। आसपास गांव में बड़ा इसका रिएक्शन हुआ, क्योंकि भागाराम जो व्यक्ति था, भागाराम बैरवा, ये उस इलाके का नून तांत्रिक था। तांत्रिक कह लीजिए, ओझा कह लीजिए, सोखा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, आसपास के कई गांवों में वो मशहूर था या लोग उसके पास आया करते थे। सवेरे उसके यहाँ दरबार लगता था, लोग अपनी परेशानी लेकर आते थे। और ये वही वाला था जिसमें मुर्गा लाओ, दारू लाओ, मीट लाओ, बकरा लाओ, और सवेरे वो बाल हिलाया और ये जोर जोर से कुछ चिल्लाया, मंत्र का उच्चारण किया, तू चल मैं चल किया, और उसके बाद फिर बताया कि तुम्हारी समस्या फलां भूत की वजह से है और मैंने इस तरह से इस समस्या का निपटारा कर दिया है। उसके बेटे की हत्या हुई थी, लिहाजा भीड़ भाड़ और जिसे ये कहते हैं कानून व्यवस्था की एग्जैक्टली स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, लेकिन कुछ भीड़ भाड़ इकट्ठा होना, कुछ पुलिस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा होना, इस तरह की बातचीत जरूर थी। पुलिस ने फौरन एएसपी किशोरीलाल, हिंडौली के डीएसपी सज्जन सिंह, डबलाना के थानाधिकारी रामेश्वर प्रसाद और साइबर सेल को इस हत्या के अनावरण के लिए लगाया। एक भारी भरकम सीनियर ऑफिसर्स की टीम लगाई गई, इसलिए कि गांव वालों को लगे कि पुलिस कुछ कर रही है और पुलिस पर थोड़ा दबाव कम हो। साइबर सेल ने सबसे पहले उस रात यानी 8 अप्रैल 2022 को, जहां संजय की हत्या हुई थी, वहां आसपास डंप डाटा इकट्ठा किया कि कौन कौन से फोन उस रात यहां पर एक्टिव थे। खैर, ये सूचनाएं सब इकट्ठा हो गई, उनकी एनालिसिस शुरू हुई और ज़्यादा नंबर तो नहीं मिले, लेकिन जो लोग इस हत्या में इन्वॉल्व थे उनके नंबर, खासकर प्रहलाद का जिस पर शंका की गई थी, वो भी नंबर उस रात में, उस इलाके में या उस टावर में कनेक्टेड नहीं मिले। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब क्या करें। जिन पे शंका है वो भी उस दिन रात में उस इलाके में नहीं थे, तो क्या माना जाए कि जो बाइस्तभा लिखाई गई है एफआईआर, वो गलत है
या हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। बहरहाल पुलिस प्रहलाद को उठाकर ले आई। प्रहलाद पुत्र सौभाग बैरवा और मृतक के पुत्र शिवराज को जानकारी के लिए उनके पास थाने पर ले आई कि प्रहलाद के बारे में उनका क्या क्या मत है, प्रहलाद को क्यों उनके पिता ने बहिष्टभा लिखवाया है। काफी लंबी बातचीत के बाद प्रहलाद की बातें कुछ कुछ कंट्राडिक्टरी मिलने लगी। पुलिस बहुत देर से परेशान थी ये पता करने के लिए कि कौन कौन लोग थे, और जब ज्यादा परेशान हो गई पुलिस तो उसने वही किया जो उसे बहुत पहले करना चाहिए था। थोड़ी देर में प्रहलाद तोते की तरह बोलने लगा। उसने बताया कि मृतक संजय मेरा चचेरा भाई है, लेकिन हम लोग संजय के पिता भागाराम से बहुत परेशान हो गए हैं, तंग आ गए हैं, और हमारा बहनोई भी बहुत बुरी तरह से परेशान हो गया है और तंग आ गया है। मेरे बहनोई का नाम शंकरलाल पुत्र चतुर्भुज बैरवा है। प्रहलाद के अलावा उसका दूसरा भाई देवकरण उर्फ फोरू सुभाग वो भी इसकी वजह से परेशान है, तांत्रिक की वजह से। भागाराम से सब बहुत डरते थे। भागाराम के बारे में ये मशहूर था कि ये अगर किसी पर तंत्र मंत्र चला दे, अपने अस्त्र शस्त्र तंत्र वाले चला दे, तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। घर में जिन लोगों की तबीयत इन लोगों के खराब हुई, सब सारा दोष भागाराम पर लगाया गया। प्रहलाद बताता है कि भागाराम की तांत्रिक विद्या से कितने लोग परेशान हुए। प्रहलाद चाचा को कई बार टोना टोटका भगाने के लिए शराब, मांस, तंत्र मंत्र की सामग्री वो भागाराम को, प्रहलाद अपने सगे, उसका सगा चाचा था, उसको दे चुका था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसको ये शक होने लगा कि उसके भाई, चचेरे भाई देवकरण की पत्नी को भी टोने टोटके से भागाराम ही परेशान करता था, जिसके कारण 2009 में उसकी मौत हो गई। बड़े भाई चेतन को भी तांत्रिक विद्या से उसने पागल बना रखा है। मां पर भी उसने जादू टोना कर दिया, जिसके कारण मां कुछ दिन बाद मंद बुद्धि हो गई, पागल हो गई। जीजा शंकरलाल को भी शक था कि टोने टोटके से ही उसकी खटखट तिराहे पर खोली गई वेल्डिंग की दुकान में नुकसान हुआ और उसे वेल्डिंग की ये दुकान बंद करके खेती करनी पड़ी। करीब 10 दिन पहले प्रहलाद की पत्नी भी भागाराम के टोने टोटके से इतना परेशान हो गई और तबीयत उसकी ठीक नहीं हो पा रही थी कि वो नाराज होकर अपने मायके चली गई। ये सारे रिलेटेड लोग भागाराम के अपने परिवार के थे, सगे भाई के लड़के थे, सगे भाई की बहुएं थीं, सगे भाई के भतीजे लड़कों के लड़के थे, सब किसी न किसी वजह से परेशान थे और दो दो लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब इन लोगों ने भी ये पता करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया, एक मंदिर पर ये लोग गए, जजावर झेटाल माता मंदिर। वहां पर जो उसके पुजारी हैं उन्हें भी ये कहा जाता है कि इसकी विद्या की जानकारी है, अपनी बातें बताएं कि साहब हम परेशान, हमारी पत्नी परेशान, बेटा परेशान, भाई परेशान, बहन परेशान, बहनोई परेशान। तो इलाके के जो इस ट्रेड में हैं
या यूं कह लें कि इस तरह की दुकान जिन्होंने चला रखी है, तंत्र मंत्र जादू टोना इन सब की, उनको एक दूसरे के बारे में जानकारी रहती है। जैसे ही उन्हें पता लगा कि ये भागाराम के परिवार के लोग ही हैं, उसने फौरन ये जड़ दिया कि अरे भाई ये तो किसी का किया हुआ है, इसमें कोई क्या कर सकता है। उसने नाम कुछ नहीं बताया जो तांत्रिक उस मंदिर पे थे, लेकिन इन लोगों ने फौरन अपने से ये मान लिया कि बस कि ये चाचा भागाराम का ही किया हुआ है। वो लोग भी कभी नाम नहीं बताते हैं, वो ये बताएंगे कि लंबा है, काला है, गोरा है, छोटा है, मोटा है, 65 साल का है, 70 साल के का है, एक लड़का है, दो लड़की है, इस तरह की बात बताते हैं ताकि उनका जो पेशेंट है, उनका जो यजमान है, वो अपने आप लोकेट कर ले कि तांत्रिक का इशारा किस ओर है। और यही हुआ। इन लोगों ने एक दो बार उनसे मिलने के बाद जब जब बताया कि साहब अब इसकी भी परेशानी है, प्रहलाद की पत्नी छोड़ के चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, उसने कहा बस ये किया हुआ है, वही ब्लैक मैजिक है, मारण है, क्या क्या 200 नाम है इनके, ये कर दिया है, वो कर दिया है, फलाना कर दिया है। एक टोटका आपने देखा होगा कि सवेरे सवेरे एक डलिया में कुछ फूल और कुछ चीजें रख के उसके बाद एक नींबू कटा हुआ वहां और पानी पड़ा हुआ, और जितने आने जाने वाले हैं उसको अवॉइड करके जाते हैं, उधर देखते भी नहीं। ये भी एक तरह का टोटका है, एक तरह का टोना है। नारियल में वो सिंदूर और जाने क्या क्या लगा के उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ आप देख लीजिए तो लोग वहां से दूर होते हैं कि किसी ने भूत यहां पे करा दिया है, दूर रहो नहीं पकड़ लेगा। इस तरह की सैकड़ों विधियां, सैकड़ों क्रियाएं आज भी समाज में प्रचलित हैं, और जो लोग इस ट्रेड में हैं, जो लोग इस अंधविश्वास की इस दुकान में बैठे हुए हैं, वो सामने वाले की कमजोरी पकड़ के फौरन कुछ न कुछ ऐसा इशारा कर देते हैं कि अब अगर उनको ये लगेगा कि मोटा गोरा काला ये सब बताना ठीक नहीं है, तो ये बता देंगे कि तुम्हारे ब्लड रिलेशन की तीसरी पीढ़ी का बड़ा बेटा। अब आप ढूंढिए तीसरी पीढ़ी में अगर 4 भाई हैं तो उनमें किसका बड़ा बेटा। तो आदमी जिस पर शक करता है वो फट से उसी की तरफ उसका उसका ध्यान चला जाता है। तो बहरहाल उनसे ये पूछा गया कि महाराज क्या किया जाए, तो उन्होंने तिथि बताई, हिंदी की तिथि जो 8 अप्रैल 2022 को पड़ती थी। उन्होंने कहा देखो सारी समस्या की जड़ को 8 अप्रैल 2022 की रात में समाप्त कर दो, क्योंकि अगर तुम 8 अप्रैल को नहीं समाप्त कर पाए तो 2 साल तक तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, और 2 साल में वो तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। किसी को भी आप अगर ये बात बता दीजिए तो उसे तो लगता है कि अगर 8 अप्रैल या तो हम रहें या वो रहे, वरना फिर ऐसे जीवन से क्या फायदा जब पूरा घर का घर बीमार है। बहरहाल दोनों भाइयों ने मिलकर ये तय किया, प्रहलाद ने, देवकरण उर्फ फोरू ने, और जीजा शंकरलाल ने, कि कुछ भी हो 8 अप्रैल की शाम इसका वारा न्यारा करना है, किसका, भागाराम का। तो उन लोगों ने वहीं जजावर झेटाल माता मंदिर पर पहुंचे, फोन से पहले गांव में ये जानकारी की कि आजकल भागाराम रात में कहां सोता है, पता लगा कि वो आजकल खेत में सो रहा है। दोनों भाइयों ने अपने जीजा को फोन करके कहा कि 8 अप्रैल को आप वहां से आ जाइए। तो 8 अप्रैल को देवकरण जयपुर से किराए की कार लेकर जजावर पहुंच गया, और जीजा जो है वो केपाटन से बाइक से वो भी मंदिर के पास पहुंच गया। किराए की कार के ड्राइवर से देवकरण ने कहा कि छोटे भाई की तबीयत खराब है, 2-3 घंटे मंदिर में लगेंगे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। रात 11 बजे तीनों बाइक से खेत पर पहुंचे, मतलब उन्हीं गुरुजी के पास मंदिर में सबको इकट्ठा किया गया। जब कोई दांव नहीं लग रहा था
तो पहले ये पता हुआ, पता किया गया कि रात में कहाँ सोता है। घर में सोता होगा तो घर में मारेंगे, और कहीं और गया होगा तो वहां घेर कर मार लेंगे, क्योंकि 8 के बाद फिर वो 2 साल तक मिलने वाला नहीं है, ऐसा तांत्रिक गुरुजी ने बताया है। तो वहां से ये तीनों लोग उस खेत पर जहां के लिए कहा गया था कि ये आजकल खेत में सोता है, ये तीनों वहां पहुंच गए। रात के करीब 12:15 बजे ये लोग पहुंचे खाट पर। इन्होंने दूर से मोबाइल की टॉर्च वाली रोशनी से देखा, इनके होश फाकता हो गए, क्योंकि खाट पर भागाराम की जगह उनका बेटा संजय सो रहा था। अब इनके हाथ पैर ढीले हो गए कि अब 1 बज गया है, अब कहां भागाराम को ढूंढें, और अगर आज नहीं मारा गया आज उसकी, क्योंकि तांत्रिक गुरु ने यह बताया था कि आज उसकी बलि आपकी सारी समस्याओं का समाधान है, और अगर आज चूक गए चौहान तो फिर 2 साल में बर्बाद हो जाओगे। तो वो एनर्जी इतनी जबरदस्त थी नेगेटिव कारणों से कि उन्हें आज कुछ न कुछ करना था। कान में एक दूसरे के फुसफुसाए कि इतना टाइम नहीं है कि हम भागाराम चचा को ढूंढें। उन्होंने तय किया कि बलि तो बलि होती है, बलि में कभी ये नहीं लिखा जाता या नहीं कहा जाता कि फलाने की बलि दीजिए, तो अच्छा ये है कि संजय को मार लेते हैं। और इसी चक्कर में संजय को मारकर उसकी हत्या वहां कर दी गई। उन्होंने वापस लौटते समय लोगों ने आपस में बात की तीनों ने कि भाई काम तो हुआ नहीं, जो गुरुजी ने बताया वैसा तो हो नहीं पाया, अब इसके मरने से पता नहीं हम लोगों का काम सिद्ध होगा कि नहीं होगा, चल के फिर मंदिर में पता करते हैं। तो उनमें से प्रहलाद ने कहा कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन भागाराम को ये एहसास तो होगा कि बेटे के मरने का दर्द क्या होता है, उसे ये एहसास तो होगा अपनों के मरने का दर्द क्या होता है, उसे हो सकता है अपने तंत्र मंत्र से वो पता लगाने की कोशिश करे कि हमारे बेटे पर किसने तंत्र मंत्र किया था, इसी में उलझा रहेगा तो हम लोगों के ऊपर जो कुछ भी वो कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। बहरहाल हत्या के घंटे भर बाद तीनों जजावर लौट आए, जजावर जहां पर वो झेटाल माता मंदिर था। प्रहलाद मंदिर में ही रुक गया अपने तमाम शंकाओं का निवारण करने के लिए। देवकर्ण कार से जयपुर और उसका बहनोई शंकरलाल के पाटन लौट गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, तीनों को जेल भेज दिया। हालांकि देखिए मैंने पहले भी कहा ये अपना मोबाइल नहीं ले गए थे, स्विच ऑफ करके मंदिर में ही छोड़ दिया था। मौके पर वहां पर इन लोगों के मोबाइल की कोई लोकेशन नहीं मिली थी, ये केवल अभियुक्तों के कन्फेशन पर और फिर उनके मूवमेंट, उनकी दूरी, कितनी दूरी से कौन आया था, फिर उनका बयान, इन सब को जोड़कर एक चार्जशीट तैयार की गई थी। अभी भी मैं कह रहा हूं कि इस चार्जशीट में एविडेंस की कमी है। बहरहाल उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की घटना, आज फिर एक व्यक्ति शक के बिना पर अपनी जान गंवा बैठा। मंदिर के पुजारी ने तिथि और समय बता दी। पुजारी क्या, तांत्रिक, वो मंदिर के पुजारी नहीं थे, वहां रहने वाला कोई तांत्रिक था छोटा मोटा। उसने बताया कि आज रात उसकी बलि चढ़ा दो, सारी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। और यह भी बताया कि अगर इस रात को बलि न चढ़ा पाए तो 2 साल तक तुम उसका नाम नहीं बताया किसी का, जो ये सब करा रहा है तुम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, और 2 साल में ही तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उस दिन जब भागाराम उनको खटिया पर नहीं मिला तो तीनों घबरा गए कि अब हमें बर्बाद होना ही है।
वो मिला नहीं, लेकिन फिर हिम्मत करके उन्होंने कहा बलि तो बलि होती है किसी की भी हो, उसके बेटे की ही सही। बाद में उन्होंने कहा कि चलो भाई बेटे को मार दिया है, उसको इस दर्द का एहसास तो हो, और फिर यही सब सोच समझ के वो संजय को मारकर वहां से भाग गए। देखिए सिफत इसमें ये कि पूरा परिवार किसी न किसी परेशानी से, मां मंदबुद्धि हो गई, भाभी की तबीयत खराब चल रही थी, भाई के घर में सब बच्चों की तबीयत खराब थी, कोई ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन इनमें से कोई भी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कतई नहीं गया, क्योंकि ये तांत्रिक भूत प्रेत ये जो जितने ये फर्जी दुकान चलाने वाले हैं, ये एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं हमेशा, जिस किसी का साप्ता पड़ा हो, जिस किसी ने कभी इनके पास कोई प्रयास किया हो तो वो जानते होंगे, वो पहले पूछते हैं दवा कराए हो, तो वो कहेगा हाँ साहब फलां डॉक्टर के यहाँ गए थे, फायदा हुआ, कहना फायदा नहीं हुआ तभी तो आपके पास आए हैं, बोले बस इस ऊपर वाली हवा में, इस प्रेत बाधा में कभी दवाई फायदा करेगी ही नहीं, लाखों लाख फूंक दो, घर जमीन सब बेच दो, लेकिन इसमें दवा फायदा नहीं करेगी। यह ऐसा कीड़ा बिठा देते हैं सब, कि लोग ये सोचते हैं कि जब कोई फायदा ही नहीं होना है डॉक्टर की दवा से तो इलाज कराने का कोई मतलब नहीं है, और इलाज भी वही सब बताते हैं कि साहब ऐसा कर दीजिए और मुर्गा लेते आइए, उसको काट देंगे और शराब उनको चढ़ा देंगे, जो भी भूत प्रेत जो भी उनका नाम होगा उनको चढ़ा देंगे, सुबह चौकी हम इसकी लगा देंगे माता रानी की, और वहां हम देख के बता देंगे किसने किया है। इस तरह तरह के झूठ, तरह तरह के फरेब, तरह तरह की झूठी बातें आपकी परेशानियों का जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस वो कर लेते हैं, उसी से आपकी उस साइकोलॉजी को कैश कराते रहते हैं, लेकिन ये बताना कभी नहीं भूलते कि ये प्रेत बाधा इसलिए है क्योंकि इसमें दवा फायदा नहीं करेगी। लिहाजा सर्दी जुकाम के लिए भी ये पूरा परिवार कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, और जब भी वो किसी, मान लिया एक से वो संतुष्टि नहीं हुई, दूसरे तांत्रिक के पास गए, दूसरे ओझा के पास गए, दूसरे सोखा के पास गए, तो उसने भी यही बताया, अरे भाई ये तो सब कुछ किया हुआ है, ये हवा है ऊपरी वाली, ये तो किया हुआ है, इसमें काला जादू किसी ने किया है, नाम वो भी कभी नहीं बताएगा, और आदमी अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां उसको शक होता है, उसका दिमाग वहीं पहुंच जाता है। इसीलिए जब बार बार ये हुआ कि किसी ने कराया है, और चाचा प्रसिद्ध वहां के तांत्रिक, तब इन लोगों ने उनको मारने की योजना बनाई कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसी को मार दो तो तंत्र किया कौन करेगा और हम सब लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप देखिए कि दुनिया कहां से कहां चली गई, साइंस कितना एडवांस हो गया, हम चांद सितारे सब तक पहुंच गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा कोई तोड़ नहीं है, आईटी में हमने झंडे गाड़ दिए, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक एक और नया प्रेत आ गया है कि आप किसी से बात करिए और बस फौरन उसी चीज के एडवर्टीजमेंट आते रहेंगे। मैंने किसी एपिसोड के सिलसिले में आपको उसके टिन के बक्से का जिक्र किया था, पुराने जमाने में जो शादियों में जाते थे, और मैं हम लोग भी जब कभी ट्रांसफर पोस्टिंग पे, तो टिन के वो बॉक्सेस होते थे, वो टिन के बॉक्सेस के सिलसिले में मैंने एक दो लोगों से पूछताछ की थी प्रयागराज में, जहां ये बनते हैं, जहां ये हटिया इलाका है जहां पर ये बनते हैं, कि आजकल इनकी प्राइस क्या है, क्या आजकल ये चलता है कि नहीं चलता है, आप लोगों को बताने के पहले मैंने सिर्फ इतनी बात की थी। और एक घंटे बाद ट्रू कॉलर का जो एडवर्टीजमेंट होता है उसमें भांति भांति के बक्से आने लगे, मैं भी हैरान परेशान कि भाई ये इनको कैसे पता कि मुझे
मैं बॉक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं, टीन वाले बाकस जिसे कहते हैं गांव की भाषा में। फिर धीरे धीरे ये जानकारी हुई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कहा तो ये भी जाता है कि आपका मोबाइल फोन अगर बंद है और आप बातचीत कर रहे हैं तो आप उससे संबंधित बातें नोटिफिकेशन में तुरंत आने लगेंगे जो बात आप कर रहे हैं। ये इतना पावरफुल हो गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब तो तमाम डिफेंस सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है। और एक नए गूगल बाबा के परबाबा आ गए हैं, चैट GPT। आप बैठे बैठे भारत पाकिस्तान का युद्ध करा दीजिए और जीत भी लीजिए चैट GPT से। क्या डिटेल में वो आपकी जरूरत को बताते हैं। उसके बारे में ये भी बताया गया कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस के, गोवा में खासकर बताया गया, उसके पेपर्स चैट GPT पे लड़कों ने सॉल्व करके और पास हो गए वो। ये मतलब इंटरनेट की इस दुनिया में आप एक शब्द भी अगर बोलें, आपका वॉइस पैकेट या डाटा पैकेट इंटरनेट पर ट्रेवल किया कि वहां छन्नी लगाकर फिल्टर लगाकर छानने वाले बैठे हुए हैं डाकू हजार हजार, उसको फौरन छान लेंगे, एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। आपको उसकी जानकारी चाहिए, धड़ाधड़ वो जानकारी आपको मिलने लगेगी। ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया। तो एक तरफ तो हम वहां पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ हम वही मुर्गा और बकरी कटवाते हैं, सिंदूर और अबीर उसमें लगाते हैं, नींबू काट के चौराहे पर फेंक देते हैं और YouTube में तमाम बाबाओं का है कि साहब एक हाथ में तिल और दूसरे हाथ में सरसों, एक इधर फेंकिए उधर फेंकिए, कच्चे आटे की गोली आप नदी में जहां पछलियां हो उसको खिला दीजिए, फला परेशानी एकदम दूर, हर मर्ज की दवा, बाप रे बाप। एक तो हम रॉकेट साइंस में कहां से कहां पहुंच गए, एक आर्टिफिशियल ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया AI ने, और दूसरी तरफ ये बाबाओं की दुकान पर लंबी कतारें आज भी लगी हैं। और ऐसा नहीं है कि ये आज आए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, युगों युगों से ये सर्वाइव करते आए हैं। किसी कालखंड में ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि इनके बिना भी कोई समाज चल रहा हो, इनके बिना भी कोई राज्य चल रहा हो, इनके बिना भी शासक अपने दरबार में बैठकर कोई डिसीजन दे रहा हो। युगों युगों से ये सर्वाइव करते आए हैं और जब तक हम आप इन पर विश्वास करेंगे इनकी दुकानें चलती रहेंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।